बागी बन बनकर थकने के बाद फाइनली टाइगर श्रॉफ इज बैक एज ए स्टूडेंट इन करण जौहर कॉलेज, जिसकी एक्टिंग को देखने के बाद लोगों ने कहा टाइगर को डायलॉग्स आप बोलने आते हैं, बेचारे का लिपसिंग ही नहीं होती है, मुझे तो लगता है कहीं डबिंग तो नहीं की जाती है। पहली सोटी की सफलता के बाद जहां दो लड़के एक लड़की के पीछे थे, वहीं अब 7 साल बाद होगा एक फ्रेश स्टार्ट जहां अब लड़की नहीं लड़कियां एक लड़के के पीछे होगी। जो जीता वही सिकंदर, मेरा मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, एक मूवी जिसकी स्टोरी लोगों को उसके ट्रेलर में ही पता लग गई थी, लेकिन फिर भी आधी पब्लिक पहुंच गई आलिया भट्ट का डांस देखने। एक ऐसी मूवी जिसकी स्टोरी के साथ साथ उसके गाने भी सेंस नहीं बनाते। अबे तुम मसूरी से हो? बकचोदिये, और ये क्या, ये चीयरलीडर्स क्या आईपीएल से उठाई है? मिली टाइगर श्रॉफ एस रोहन, पर रोल कैसा भी हो भाई के सर से फ्लाइंग जेट का हैंगओवर कभी नहीं उतरेगा। मैं फ्लाइंग जेट बन गया हूँ। और फिर टाइगर का छतों पे कूदना शुरू। इवन वो तो छत पर किसी के कपड़े भी नहीं सूखने देगा, वो पोज दे दे कर छलांगे लगाएगा। अब इस जगह हम में से कोई होता ना तो ये एंटी झाड़ू पिछवाड़े में डाल देती। लेकिन रोहन एक मिडिल क्लास घर का लड़का जिसके पास पैसों के साथ साथ डायलॉग्स की भी कमी है। दिन दे रहा था, साल मेरा होगा, दिन औरों का है, लेकिन साल हमारा होगा। दिन दे रहा था, हाँ आगे साल मेरा होगा। अरे कोई डायलॉग दे दो भाई को। रोहन जो कि एक अपने छोटे से कॉलेज में पढ़ता है, जो कि कॉलेज है स्कूल पता नहीं, क्योंकि या तो कॉलेज आने के बाद भी सब अपनी स्कूल ड्रेस ही पहन रहे हैं। लेकिन रोहन को अपने छोटे कॉलेज से निकलकर जाना है करण जौहर के सेंट टेरेसा कॉलेज में अपने स्कूल वाला लव मृदुला के पास। मतलब पढ़ाई, डिग्री, प्लेसमेंट्स, इन सब से भाई का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बट सेंट टेरेसा अमीरों का कॉलेज एंड मृदुला इज वन ऑफ देम, क्योंकि उसके पापा के पास है। मेरे डैड के पास 2-4 पेट्रोल पंप्स हैं, इसलिए मैं तो यहां आ गई। लेकिन रोहन के लिए तो पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन स्पोर्ट्स कोटे में स्कॉलरशिप मिलने से रोहन का एडमिशन हो जाता है सेंट टेरेसा में। बट वहाँ जाने से पहले वो अपने 100-200 रुपए में एक डिस्काउंट जैकेट लेगा, अपना फेशियल करवाएगा, स्नीकर्स लेगा, गुची का बैकपैक लेगा और अपने दोस्तों से फेयरवेल पार्टी भी लेगा, जहाँ उसके दोस्त उसे अपनी बेस्ट विशेस देते हैं कि हैव सेक्स एंड यूज कॉन्डम। सच में ऐसे दोस्तों सबको मिले। और अब रोहन पहुंचता है सेंट टेरेसा में, जहाँ सीरियसली पढ़ने तो कोई नहीं आया। सेंट टेरेसा में दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, पहला पढ़ाई, स्पोर्ट्स और डांस कंपटीशन। और अगर कभी गलती से पढ़ने बैठ भी गए तो अबे यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ डांस कंपटीशन में ठुमके कौन लगाएगा? सीरियसली उस स्कूल से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसका प्रिंसिपल ही रेडियो जॉकी हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन अब रोहन वहाँ पहुँच कर देखता है कि मृदुला के तो कपड़ों के साथ साथ उसका नाम भी छोटा हो गया है। एंड नाउ शी इज गोल्ड डिगर। ऑसम क्लब है, मेरे डैड का है। और वो रोहन को कह देती है कि अब तेरी मेरी वाइब्स मैच नहीं होगी रे। लेकिन बाद में वो कर देता है उसे इम्प्रेस जब वो दिखाएगा अपना टैटू। पर भाई देख के कहीं बाद में आगे खलीफा ना लिखवाना पड़ जाए। बट मूवी में एक और करेक्टर श्रेया, प्लेड बाय अननोइंग पांडे। एंड शी इज सुपर स्मार्ट, जो कि कैमरे पर अपना अंगूठा रखकर फोटो क्लिक कर लेती है। और अब एंट्री होती है मूवी के विलन मानव, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि विलन वाला काम तो स्क्रिप्ट राइटर पहले ही कर चुका था। बट चलो ठीक है, मीट मानव सिंह रंधावा, जिसका बाप करण जौहर कॉलेज का ट्रस्टी है, जो कि ऑलरेडी 2 बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीत चुका है। हैट्रिक भी मेरा ही होगा। बट उसे रोकेगा अपना हीरो रोहन, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मूवी के बाकी करेक्टर से, जब मूवी में टाइगर श्रॉफ हो तभी इन सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो भाई की बॉडी ले जाती है। मेरे जीवन को ठीक से देखा नहीं आपने। ये क्या कोई डीओ का एड चल रहा है? लोग तो नोटिस करेंगे। और आप धर्मा वालों की मूवी है और प्रोडक्ट प्लेसमेंट ना हो तो ये लो, नाइकी 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 नाइकी, प्यूमा प्यूमा, एडिडास एडिडास, अमूल माचो, हीरो साइकिल्स, बस इतने ही है। और अब एक रात छतों पर कूदने के दौरान रोहन को पता चलता है कि मियां ने तो मानव के साथ मिलकर उसका काट दिया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और इस मोमेंट पर रोहन को रियलाइज होता है कि बेंचों मेरे टैटू का क्या होगा। और वो देता है मानव को एक पंच। टूट गया यार। और फिर अगले दिन दोनों की कॉलेज में फाइट शुरू। अरे एक मिनट, ये इसके हाथ से टैटू कहाँ गया? अभी क्या बूमर वाला दिखा दिया था उसे? बूम, 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 बूम।
बहुत सही बटा मार खा। और अब इतनी मार खाने के बाद भी एक चीज बिल्कुल कॉमन रहेगी और वो है रोहन के एक्सप्रेशंस। अबे रिएक्शन दे तेरी माँ का। बकचोदी। पर यार इतनी मार पड़ने पर भी कोई इसे बचाने नहीं आया। अबे ट्रस्टी है तो क्या हुआ, यहाँ तो शायद स्टूडेंट्स अग्निमूत ने भी इससे पूछ कर जाते होंगे। और अब रोहन फिर से अपनी लाल जर्सी लटका के पहुंच जाता है अपने पुराने कॉलेज, बट उसे कंधा देने आती है श्रेया। और अब श्रेया के दिल में भी रोहन के लिए फीलिंग्स है, लेकिन इतने में ही आ जाती है रोहन की एक्स। लेकिन इससे पहले कि तीनों में थ्रीसम हो जाए, रोहन करता है दोनों में से किसी एक को चूस। क्योंकि लड़कों का तो पता है ना कि उन्हें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी जन्नत दिखती है। और अब बाकी बचे कुछ टाइम में मूवी में कुछ भी होगा, बेफिजूल के गाने आएंगे, डीसी और मार्वल का क्रॉसओवर होगा, विल स्मिथ आकर ठुमके लगाएगा, बट किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मूवी की हाईलाइट है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी। लेकिन हर बार की तरह चाहे लड़के लड़की के पीछे हो या फिर लड़के लड़के के पीछे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो लड़के ही जीतेंगे। लेकिन अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए कबड्डी मैच होगा, जिसकी प्रिपरेशन ये लोग ऐसे करेंगे जैसे इन्हें आर्मी में कमांडो लगना हो। और अब रोहन करेगा अपनी टीम को मोटिवेट, बट वो तो कैप्टन करते हैं ना, और कैप्टन तो ये है। अबे भाई हीरो ये है। ओ सॉरी, एक साथ खेलो टीम की तरह। लेकिन टाइम आने पर भाई तो जैसे किसी को खेलने ही नहीं देगा। और एक कबड्डी कम WWE ज्यादा लग रही। और फिर कबड्डी जैसा टीम गेम होते हुए भी रोहन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाता है, जबकि वो तो टीम का कैप्टन भी नहीं था। Who knows? लेकिन जाने से पहले एक बार और भाई हमें कूद के दिखाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई सजेशन हो तो इंस्टा पर DM भी कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो शांति।